दोस्तों, क्या आपको पता है जो स्पेस होता है यानी अंतरिक्ष, वो किस तरह से सुगंध आता है? हर एक चीज़ का अलग अलग स्मेल होता है, तो वैसे ये अंतरिक्ष में क्या, मतलब किस तरीके का स्मेल आता है, ये अगर आप जानना चाहते हैं, आगे वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, आपने सनराइज तो देखा ही होगा। सनराइज मतलब सूरज उगते समय, एकदम सुबह सुबह भोर के समय में होता है, 5 साढ़े 5 इस समय तो आपने देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहला सनराइज कौन सा देश देखता है? सबसे पहला सनराइज न्यूजीलैंड देखता है। मतलब जब सूरज उगता है ना, सबसे पहला सनराइज वहीं पे दिखता है, न्यूजीलैंड में। मतलब हमें भी दिखता है ऐसा नहीं है, लेकिन सबसे पहला जब सनराइज होता रहता है ना, सबसे पहला सनराइज न्यूजीलैंड में होता है। दोस्तों, मैं आपको भूटान के बारे में दो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो भूटान है ना, एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है। मतलब हर जगह पे ना जो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब प्योर एयर से ज़्यादा, मतलब जो स्वच्छ एयर बोलते हैं ना, मतलब एयर बिना किसी पोल्यूशन के जो एयर होता है उसे प्योर एयर, तो जो प्योर एयर है उससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब ज़्यादा रहता है हर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में। लेकिन भूटान एक लौता कंट्री जो कार्बन नेगेटिव है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम है, मतलब पोल्यूशन सबसे कम है, पोल्यूशन फ्री कंट्री है। वहाँ पे मतलब प्योर एयर की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पेड़ है। मतलब क्या वो थोड़ा कैसे बताओ, जंगल झाड़ी पहाड़ों टाइप के एरिया में है भूटान, इसीलिए वहाँ पे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कई सारे वैसे मतलब जो भी कार्बन से रिलेटेड है वो सबकी मात्रा कम है, इसीलिए वो कार्बन नेगेटिव कंट्री, मतलब सबसे पोल्यूशन फ्री कौन सा कंट्री है बोलने से भूटान। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भूटान सबसे ऊंचाई पे है, मतलब कैसे बताऊँ, सबसे हाईएस्ट, मतलब एक ऊंचाई जो होता है, मतलब ना पोल्यूशन से उस मैं नहीं बता रहा हूँ, ना पॉपुलेशन पे, मतलब उसी किसी से संबंध नहीं है। ऊंचाई एक जैसे पहाड़ हो गया, पहाड़ की ऊंचाई, वैसे भूटान सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। मतलब इस दुनिया में जितने भी देश है ना, उन सभी में से भूटान जो है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे रहने वाला एक देश है। उस मतलब वो जो ग्राउंड लेवल होता है ना, जो ज़मीन से, वो 3,280 मीटर्स की ऊंचाई पे है। भूटान जो है ज़मीन से 3,280 मीटर्स की ऊंचाई पे है। भूटान के बारे में दो फैक्ट्स याद रखना। वो पहला जो है वो एक कार्बन नेगेटिव कंट्री, मतलब कार्बन मतलब पोल्यूशन फ्री कंट्री सिंपली बताए तो, और दूसरा यह है कि दुनिया में सबसे ऊंचा, मतलब सबसे ऊंचाई पे जो देश है उसमें से भूटान नंबर वन पे है, और मतलब ये ग्राउंड से 3,280 मीटर्स की ऊंचाई पे है। दोस्तों, आप लोग सब आर्मी के बारे में तो जानते ही होंगे, ऑलमोस्ट जितने भी देश हैं ना सभी की आर्मीज होती ही है। लेकिन इस दुनिया में 23 कंट्रीज़ हैं जिनके आर्मी नहीं है। उसमें से कुछ कंट्रीज़ मैं बताता हूँ, बहुत फेमस है वैटिकन सिटी, आप जानते ही होंगे। इस दुनिया में सबसे छोटा कंट्री कौन सा बोले से वैटिकन सिटी, और इसकी ना आर्मी है ना पुलिस है वैटिकन सिटी के। उसके बाद पनामा जानते होंगे, इसकी भी आर्मी नहीं है, इसकी भी पुलिस नहीं है। आइसलैंड, इसकी भी आर्मी नहीं है, इसकी भी पुलिस नहीं है। मार्शल आइलैंड, इसकी भी आर्मी नहीं है, इसकी भी पुलिस नहीं है। कोस्टा रिका, इसकी भी आर्मी नहीं है, इसकी भी पुलिस नहीं है। मतलब ये कुछ मतलब एक फोर फेमस है, मतलब ये थोड़े ज़्यादा फेमस कंट्रीज़ हैं, इतने फेमस कंट्रीज़ हैं लेकिन स्टिल इनकी ना आर्मी है ना पुलिस है। लेकिन मतलब इन मतलब 23 कंट्रीज़ है, 23 कंट्रीज जिनके ना आर्मी है ना पुलिस है, लेकिन ये कुछ उनमें से इतने फेमस कंट्रीज होने के बावजूद अभी लोग जानते हैं, बहुत टूरिज्म ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे लोग बहुत विजिट करते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पे ना पुलिस है ना आर्मी है। आप समझ सकते हैं मतलब वो कितना क्राइम क्राइम कितने कम होते होंगे, अभी जानते ही होंगे। फैक्ट नंबर वन से पहले, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सब अपलोड होते हैं सब देख सकें। तो हमारा फैक्ट नंबर वन ये है कि जो स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है, वो किस तरह से सुगंध आता है, मतलब वहाँ अंतरिक्ष में क्या क्या अलग है, कैसे सुगंध आता है वहाँ पे। अब देखो, दुनिया में मतलब इस संसार में हर एक चीज़ को कुछ ना कुछ अलग टाइप से स्मेल होता है, लेकिन हम तो जानते नहीं अंतरिक्ष में कैसे स्मेल होता है। बहुत गिने चुने लोग हैं जो अंतरिक्ष में गए हैं,
तो उन लोग ने ये बताया है कि अंतरिक्ष किस तरह से मतलब स्मेल करता है, पूछने से उन लोग से मतलब इस दुनिया में किसी भी चीज़ से देखोगे तो थोड़ा अलग ही टाइप का स्मेल, लेकिन कुछ चीज़ों से मिलता है। जैसे मीट को जब अपन पैन के ऊपर मतलब कोई भी मटन हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, किसी भी तरह का मीट होता है, उसको अगर अपन पैन के ऊपर फ्राई मतलब रोस्ट करते रहते, पैन के ऊपर गर्म करते रहते हैं ना, तवे के ऊपर गर्म करते हैं ना, तो जो सुगंध आता है ना मतलब उसको गर्म करते समय जो सुगंध आता है वैसा टाइप के सुगंध आता है बोलते हैं। और कुछ लोग ने बताया कि जो रसबेरी होते हैं मतलब एक बेरीज होते हैं, कैसे बताऊँ, आप इमेज में देख सकते हो रसबेरी, तो उसके जैसे वो जैसा स्मेल आता है रसबेरी से वैसा टाइप का सुगंध आता है बोलते कुछ लोग ने बताया। और कुछ लोगों ने बताया जो रम होता है ना, समझ रहे हैं, रम अब इमेज में देख सकते हो मतलब जो ड्रिंक करते हैं उसके टाइप से, मतलब ये तीनों टाइप से यूजुअली जो स्पेस होता है ये तीनों टाइप से मतलब एक तवे के ऊपर कुछ गर्म करते हुए मतलब कुछ मीट मीट गर्म करता हुआ स्मेल, रासबेरी का स्मेल और अपना रम का स्मेल, ये तीनों टाइप से स्पेस थोड़ा बहुत तो एक्चुअली इसी टाइप से स्मेल करता है नहीं बोल सकते, मतलब इसके जैसे हल्का फुल्का इसके टाइप से, मतलब लोग वहाँ पर मतलब उन लोग थोड़ी ना मास्क उठा के देखते हैं वहाँ पे, जिनका जो स्पेस सूट होता है ना मतलब जो पहनते स्पेस सूट, जब वो वहाँ से आते हैं वापस तो उनके स्पेस सूट से ये थोड़ा ये सब स्मेल आता है, वो मतलब वहाँ पे मास्क उठा के सब देख सूंघते नहीं हैं, जो स्पेस सूट पहनते हैं ना उन लोग उससे ये सब स्मेल आता है। तो मतलब अगली बार आप अगर आपको कभी भी कोई भी पूछे स्पेस कैसे स्मेल करता है, कभी सोचा है कि इसके बारे में, तो ये बता देना रसबेरी टाइप से और तवे के ऊपर कोई मीट गर्म करता हुआ टाइप से और रम टाइप से, मतलब पीने वाला रम टाइप से स्मेल करता है।